First of all, thank you everyone who has joined us in this call. This is KASB Securities webinar. I'm Iman Baloch, and with me I have Hamad Aman, who is Vice President Sales at KASB Securities. He has an extensive experience in this field, and he has worked in Australia, at Telstra and Wiseman Financial Services. आज के इस पर्टिकुलर वेबिनार में हमाद विल बी बेसिकली डिस्कसिंग द रिसर्च पोर्टल दैट इज अवेलेबल ऑन केएसबी सिक्योरिटीज एप्लीकेशन, वेब टर्मिनल एंड डेस्कटॉप टर्मिनल. और बेसिकली हमाद बता रहे होंगे कि किस तरह से बेसिक आप सेक्टर वाइज केएसई 100 इंडेक्स का एनालिसिस कर सकते हैं. सो हमाद, वील स्टार्ट ऑफ एंड जस्ट लेट मी नो व्हेन आई कैन शेयर माई स्क्रीन. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जी अमन, बस आप शेयर स्क्रीन स्टार्ट करें तो हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं अपने रिसर्च पोर्टल का, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प हो सकती है टू लर्न अबाउट सम फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक्स. श्योर हमाद, कैन यू व्यू माय स्क्रीन राइट नाउ? आई कैन या ओके कूल. आई होप एवरीवन कैन सी दिस. अच्छा, सो बेसिकली हमारा रिसर्च पोर्टल का जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ रहा है, आई जस्ट क्लिक देयर एंड आई ओपन द डैशबोर्ड अगेन. एंड दिस इज गॉन थ्रू आवर वेबसाइट एंड देन लॉगिंग इन, राइट? सो बेसिकली आई लॉग्ड इन ऑन माय वेब टर्मिनल, जो मेरा अकाउंट जहाँ पे क्रिएटेड है. आफ्टर लॉगिंग इन आई कुड सी दिस. या ओके कूल. समाद, इफ यू कैन explain this. Yeah, sure. So basically, KSC Pakistan Stock Exchange में different types of indexes बनाए गए हैं. अगर आप सामने स्क्रीन पे देखें, सबसे पहला आ रहा है KSC 100, then comes KSC 30, KSC All, KMI 30 and all. अब इसके आगे भी बहुत सारे चलते जाते हैं. जनरली जो लोग हैं हमारे यहाँ वो KSC 100 को बेंचमार्क रखते हैं. और हाँ, आपने सुना होगा मार्केट इतनी बढ़ गई, इतनी गिर गई, that's talking about KSC 100 only. अगर आप KSC All shares की बात करें तो तकरीबन 600 650 shares हैं. KSE 100 का 100 का मतलब ये है कि टॉप 100 स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन उस बेंचमार्क में बेस्ड है. KSE 30 का मतलब है टॉप 30 स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन उस पे बेस्ड है. बट क्योंकि बेंचमार्क KSE 100 लिखा लिया जाता है, तो हम अभी उसके बारे में ही बात करेंगे और हर इंडेक्स को उसी तरीके से एनालाइज किया जाता है. अगर इसके नीचे देखें आप KSE 100 में, तो इंडेक्स लेवल लिखा हुआ है 33539. दैट मींस आज की जो क्लोजिंग हुई है इंडेक्स की, इट वॉज दिस लेवल. Now you can see the color is in red and उसके आगे change लिखा हुआ है -308.8. Now this basically means कि कल की closing जो भी थी वहां से 308 points market गिरी है आज. वो किस calculation पे गिरी है वो हम आगे discuss करते हैं, but right now इसका ये मतलब है. नीचे उसके देखें तो volume आ रहा है 115.4 million. This is volume in terms of shares traded. अब चाहे वो 1 रुपए का share हो या 100 रुपए का हो, in terms of shares KSE 100 में इतना volume हुआ था. इसी तरह अगर आप किसी और इंडेक्स को ऊपर से सिलेक्ट करें तो उसका वॉल्यूम, उसका इंडेक्स एंड सो ऑन वो बताएगा आगे. हमाद, इफ यू कैन टेल अबाउट लीडर्स, गेनर्स एंड लूजर्स. श्योर. इसमें मार्केट परफॉर्मेंस के नीचे अगर आप देखें तो लीडर्स में आ रहा है केसी 100 के टॉप 5 स्टॉक्स आ रहे हैं इस वक्त. तो दिस मींस के यूनिटी में इस वक्त आज केसी 100 इंडेक्स में सबसे ज्यादा काम हुआ था. दिस इज 23.9 मिलियन शेयर्स. इसी तरह मीडिया टाइम्स में 9.8 मिलियन का काम हुआ. तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम लीडर वाज बेसिकली यूनिटी, और लीडर्स वॉल्यूम के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है. दिस इज व्हाट इट इज. आगे शेयर प्राइस चेंज आ रही है. गेनर्स का मतलब है कि परसेंटेज चेंज, गेन सबसे ज्यादा किस में आया है. तो वी कैन सी बलूचिस्तान ग्लास में सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज आया, 18% का गेन एक ही दिन में आया हुआ. देन गोज पीकेजीआई, मीडिया टाइम्स एंड सो ऑन. लूजर्स में जाएं तो अगेन परसेंटेज चेंज, लॉस्ट किसकी सबसे ज्यादा थी? It was apparently Samin Textiles. This is actually KSE All Share, by the way, not KSE 100. But yeah. Okay. Okay, cool. And these financial statements will come on that later. So let's just move on. Hamad, agar aap ye bataye, what is this top stocks coming in dividend yield payout performance? एक छोटा सा table बनाया हुआ है top stocks in terms of dividend yield. इसके आगे देखें छोटा सा TTM लिखा हुआ है. तो TTM means trailing 12 months. तो basically आज से 360 दिन पीछे चले जाएं तो उसका डेटा के हिसाब से हबीब बैंक ग्रोथ फंड की डिविडेंड यील्ड इतनी ज्यादा बनती थी 35.26. रेट उसका 7.8 है और आज 0.64% माइनस हुआ था एंड सो ऑन. इसी तरह डिविडेंड पे आउट पे अगर देखें तो इट्स कैश पे आउट रेशियो. अच्छा, इसमें
कोहार्ट सीमेंट को देख के थोड़ा सा आप घबरा जाएंगे कि 3,500% का कैश पे आउट रेशियो है, ऐसे होता नहीं है, बट बिकॉज ये इसलिए क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इनका लॉस काफी बड़ा आया था। तो अगर पिछले ये ट्रेल अगेन ट्रेलिंग 12 months है, ट्रेलिंग 12 months का ये मतलब नहीं है कि इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो मतलब आज से पिछले 4 quarters का जो रिजल्ट आया हुआ है उसके हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, हेंस दिस। तो इसलिए इसका थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में देखना पड़ता है टू वेरीफाई दिस। परफॉर्मेंस में अगर आप देखें तो 153% पायनियर सीमेंट में ग्रोथ आएगी, दैट मींस शेयर डबल से भी ज्यादा बड़ा था। तो अगर आप आज से एक्जैक्टली एक साल पहले की प्राइस निकालें तो तकरीबन 24-25 रुपए थी, आज 62 रुपीज है। तो दिस शोज की 153% का गेन आया पायनियर सीमेंट में, सेम विद चिराट सीमेंट, कोहार्ट सीमेंट, तो हाईएस्ट गेन इज पायनियर सीमेंट राइट नाउ। वॉलिटिलिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो आप अगर नीचे देखें तो केसी 100 सेलेक्ट हुआ है, ब्लू हुआ है स्टेबल के जस्ट नीचे, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं और ये स्टॉक्स उसी इंडेक्स के हिसाब से चेंज होते हैं, केसी 30 में चेंज हो जाएंगे, केएमआई 30 में चेंज हो जाएंगे एंड सो ऑन। केसी 100 पे जी, इसमें 100 में अगर हम देखें तो यूसुफ वीविंग पीएसएक्स सबसे ऊपर चल रहे हैं हाईएस्ट बीटा के हिसाब से, वॉलिटिलिटी के हिसाब से। सो बेसिकली एक्सप्लेन व्हाट इज दैट बीटा? या सो बेसिकली वॉलिटिलिटी ये होती है कि यूसुफ वीविंग के अंदर कितना चेंज आया था, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। बेसिकली इसके अंदर कितना चेंज आया था यहाँ पर अगेंस्ट द पीएसएक्स बेंचमार्क इंडेक्स केसी 100, तो उसकी अगेंस्ट 1.6 टाइम्स ये रिलेट करता है। अगर 1 से ऊपर होता है तो दिस मींस कि वॉलिटिलिटी उस स्टॉक की बहुत ज्यादा है, अगर 1 होता है तो एग्जैक्टली बेंचमार्क के साथ चल रहा है, और 1 से नीचे होता है तो बेंचमार्क के अगेंस्ट चल रहा होता है, बेसिकली दैट्स व्हाट द रेशियो मींस। गॉट इट, ठीक है। Let's come to portfolio investments. ये फिपी लिपी I've heard, but if you can explain, I'm sure a lot of people want to know. Yeah. So basically, this means के portfolio investments is फिपी means foreign flows. Foreigners ने कितनी पाकिस्तान में investment किया या divestment किया है. In same as लिपी means locals ने कितनी की भी. अगर इस chart के हिसाब से देखें, जैसे MN ने 17 June select किया हुआ, which was yesterday, तो इस हिसाब से $2.5 million की फॉरनर्स ने सेलिंग की थी, दिस इज व्हाट इट मींस, दिस इज टिल 17 जून की अगर हम बात कर रहे हैं इस वक्त। इसमें पता चल रहा है हमको तीन कैटेगरी में डिफाइंड है, ओवरसीज पाकिस्तानीज, फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड फॉरेन कॉर्पोरेट्स। जनरली जो आपको वॉल्यूम नजर आता है या वैल्यू नजर आती है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स में ही आती है। उसमें देखें तो 2.2 मिलियन तो सिर्फ उनका ही आउट ऑफ 2.5 जस्ट यस्टरडे। तो ट्रेंड देखें तो पिछले कई दिनों में हम देख सकते हैं जून में ज्यादातर फॉरनर सेलर्स ही थे अपार्ट फ्रॉम मंडे 15 जून। Can you come to Lipi, please? Yeah. Okay. इसमें हम देखें तो exactly it's a zero sum game. तो जितना buy अगर foreigner ने किया तो उतना ही local ने sell किया होगा, जितना local ने buy किया उतना ही foreigner ने sell किया होगा। तो इसी तरह 2.5 million की locals ने buy किया। अगर आप इसके ऊपर देखें तो sector wise आ रहा है, this means कि mutual funds ने कल के दिन $1 million की net buying की है, मतलब हो सकता है उन्होंने 10 million का buy किया हो और 9 million का sell किया हो, तो net buying was $1 million. Similarly, insurance ने $1.4 million की sell की है, individuals were 3.9, again it's all net, companies were 1 million, brokers were 1 million and so on. ठीक है, and we can search this by client and by sector as well. Yes. Sector में अगर आप ये बता दें, लिपी का बता दें, that means so basically sector का मतलब ये है कि foreigner अगर आपने लिपी select किया हुआ है तो उसका मतलब है locals ने किस sector में कितनी investment की है। तो इससे पता चल रहा है कि लोकल्स वर बायर्स इन कमर्शियल बैंक बाय लेट्स से $1.4 million अगेन नेट, सीमेंट्स में $182,000 एंड सो ऑन, जिस तरह आ रहा है ऊपर। परफेक्ट परफेक्ट, आई थिंक दैट साउंड्स गुड। व्हाट अबाउट सेटलमेंट एनालिसिस, लेट मी जस्ट ओपन दिस अप। श्योर, बेसिकली सेटलमेंट रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर कल की आप सेटलमेंट रेशियो देखिए तो 60.8% आ रही है, दिस इज अगेन ऑफ केसी 100। तो अगर आप 60.8, इसका मतलब है कि 100 शेयर्स का अगर काम हुआ है तो ऑलमोस्ट 61 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई थी, जिसका मतलब है कि T+2 में किसी ने जेन्युइनली बाय और सेल किया, जो रिमेनिंग 40% है दैट वाज डे ट्रेडर्स, जो आज ही बेचा और आज ही खरीद लिया उन्होंने। सो एक ही दिन में जिसने पोजिशन अपनी क्लोज कर ली उसको माइनस किया जाता है सेटलमेंट से, एंड जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो आती है जेन्युइन बायर और सेलर। ठीक है, बट इज दिस वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजंस फॉर एन इंडिविजुअल? बेसिक लेवल, बट यस अगर आप बिल्कुल फंड मैनेजर है, म्यूचुअल फंड्स में बैठे हुए हैं, फिर आपको बहुत काम आती है इनफॉरमेशन, बट नॉट एट द स्टार्ट। कूल, एंड आल्सो इन द पोर्टल फ्रंट पे ही आपको डैशबोर्ड पे यू कैन सी व्हाटएवर न्यूज़ वर आउट देयर, और साइड पे हमाद कैन यू सी द रिसर्च टैब?
इज इट विजिबल? ठीक है, तो ये हमारे हाउस की जो जो रिसर्च रिपोर्ट्स निकली है वो सारी यहाँ पे एडेड हुई है, दैट इज अवेलेबल फॉर यू टू रीड. अच्छा हमाद, लेट्स जस्ट डाइव मोर इनटू केसी 100 इंडेक्स एंड लेट्स टेक इट फर्दर फ्रॉम देयर. सो बेसिकली आई क्लिक ऑन द इंडेक्स, इट्स लोडिंग लोडिंग. Cool. And if anyone has any questions, you can post it on chat. At the end of the session, for 10 minutes, we'll try to answer all your queries regarding this dashboard. Ji, Hamad, over to you. Ji, basically, इसमें अगर हम देखें तो शुरू में वही चीज आ रही है, KC 100 में 100 index का value, वो आ रही, index number आ रहा है 33539, जिसपे आज closing हुई है, जैसे मैंने पहले कहा 308 points का change है. अच्छा, ये change कैसे calculate होता है? अगर आप इसमें थोड़ा सा नीचे देखें तो आज की ओपनिंग और प्रीवियस क्लोज लिखा हुआ है केसी 100 इंडेक्स का, तो आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग थी 33848. अगर इसको माइनस योर करंट इंडेक्स करें तो दिस इज योर चेंज, 308 पॉइंट्स का जो चेंज आ रहा है वो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली. दिस डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन सर्टेन स्टॉक्स. अगर आप इसके राइट साइड पे ग्राफ देखें तो इससे हमको ये अंदाजा होता है कि हमारे केसी 100 में सबसे हैवी वेट सेक्टर कौन सा है. So it's actually commercial banks. 22.14%, अभी एमएन ने जैसे स्क्रॉल किया, 22.14% वेट है सिर्फ कमर्शियल बैंक्स का. दिस मींस लेट्स से आप सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स को गिरा दें, नीचे चले जाए रेट्स, और बाकी सारे स्टॉक्स सेम पे रहे, कल के लेवल पे रहे, तो इंडेक्स विल बी माइनस क्योंकि इनका वेट बहुत ज्यादा है. सेकेंड हाईएस्ट इज फर्टिलाइजर एंड देन कम्स ऑयल एंड गैस, थर्ड हाईएस्ट 13.86% इसी तरह उसके बाद सीमेंट्स आते हैं एंड सो ऑन. सबके वेट्स उसी हिसाब से डिफाइन हुए हैं. वेट्स क्यों डिफाइन हुए हैं? क्योंकि जितनी कंपनीज की मार्केट वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, अच्छा इसके बाद आप इसमें राइट साइड पे हैं. आई एम सॉरी आई लॉस्ट यू देयर, कैन यू रिपीट? यस कैन यू हियर मी? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या बात करते हैं? जी हाँ, मैं कह रहा था ये सेक्टर वाइज जो वेट्स डिफाइन हुए हैं ये बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिफाइन हुए हैं. तो 22.1% जो अगर कमर्शियल बैंक्स का वेट है तो इट्स बिकॉज के हबीब बैंक, एमसीबी, यूबीएल एंड ऑल द बैंक्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज फार मोर देन अदर सेक्टर्स, हेंस इसका वेट बहुत ज्यादा है केसी 100. ठीक है, यू वांट मी टू क्लिक ऑन दोस फर्स्ट या पहले? अच्छा पहले लेट्स जस्ट मूव टू द मार्केट डेटा. ये वाला जो आ रहा है हमारे पास डेटा में देखें तो इट शोस के मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपीज में 1.5 बिलियन की है. बेसिकली इसके आगे जीरोस भी और ऐड होते हैं और ये पूरे मार्केट केसी 100 की है बेसिकली. तो इसमें जितने भी केसी 100 में स्टॉक्स हैं उन सब की मार्केट कैपिटलाइजेशन. यू कैन आस्क व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट्स बिकॉज इट्स समथिंग दैट जितने टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं किसी भी एक कंपनी के मल्टीप्लाइड बाय द करंट मार्केट प्राइस. बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी की मार्केट क्या वैल्यू देख रही है. आप देखें तो आज हमने देखा 115.4 का वॉल्यूम हुआ था, बट 30-day एवरेज 134 का. दैट मींस आज का वॉल्यूम वाज मच लेसर देन दैट, सो लोगों का इंटरेस्ट कम था. दिस शोज पीई रेशियो अगर देखें ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगेन तो 8.7 आ रहा है. दिस इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो. प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब ये होता है कि मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर. तो इसने कितनी कंपनी ने कमाया वर्सेस मल्टीपल उसको क्या मिल रहा है मार्केट की तरफ से, तो इट्स 8.7 राइट नाउ. अगर इसको आप वैसे रीजनल मार्केट से देखें, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, तो हम काफी डिस्काउंट पे चल रहे होते हैं. वो जनरली 10-11 पे है इस वक्त. हमारा राइट नाउ TTM 8.7 पे आ रहा है पी रेशियो का. डिविडेंड यील्ड हमारी 5.7% पे है. इसका मतलब है कंपनीज कितना पे आउट करती हैं. अगर आप एक एक शेयर सारी कंपनीज का केएससी 100 में ले लिया होता एक साल पहले तो आपको 5.7% की डिविडेंड यील्ड मिलती विद इन द लास्ट वन ईयर. दैट्स बेसिकली व्हाट इट मींस. और ईयर टू डेट रिटर्न, ईयर टू डेट रिटर्न का मतलब है फर्स्ट जनवरी से लेके आज तक का जो रिटर्न है केएससी 100 में वो 17.6% माइनस है, व्हिच मींस केएससी इंडेक्स अगर 33,500 पे है उसका मतलब है यहां से थोड़ा ऊपर था तभी वहां से 17.6% गिरा हुआ है आज तक. That's what it means. 1 week return is from Monday, from last one, 5 days actually. 1 year return is exactly 12 months from before. Sure. Constituents, बता सकते हैं? What does this mean? Up, down, unchanged? Yeah. Constituents में 24 अगर आप आ रहे हैं, थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करें हमें. Thank you.
24 आपका मतलब है कि आज 100 स्टॉक्स में 24 स्टॉक्स वर द वंस हु परफॉर्मड वेल, जो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं कल से. 67 वर डाउन एंड 9 वर लिटरली अनचेंज्ड. इसको अगेन आप किसी भी और बेंचमार्क को सिलेक्ट करें तो दिस कैन चेंज अकॉर्डिंगली. ठीक है, एंड दिस इज लाइक एन इंटरैक्टिव वन, सो इफ आई क्लिक ऑन कमर्शियल बैंक्स, ये मुझे वेट के हिसाब से ये सारा बता रहा है, इंडेक्स पॉइंट्स और वेट्स एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन. एंड सिमिलरली फॉर लेट्स से फर्टिलाइजर्स, इट विल शो मी एंग्रो एफएफसी एंड ईफर्ट, एंड दिस इज फॉर ऑयल एंड गैस. ठीक है, सो दिस इज इंटरैक्टिव, सो आई कैन लुक एट इट लाइक दैट. कूल, let's just come down. Okay, now this top point contributors, जी अमन. Basically इसमें अगर ये नजर आ रहा है कि आज top contributors कौन थे, अब index हमने देखा 300 points minus थी approximately, तो उसमें जो सबसे ज्यादा contribute किया negative side पे that was Bank Al Habib, then Hubco, then FFC and so on, क्योंकि इनके weights उसी हिसाब से define हुए हैं. तो जितना वो minus हुए percentage पे, अभी जैसे हम हवर ओवर कर रही हैं तो नीचे उनके परसेंटेज चेंज भी आ रहा है और इससे इतने पॉइंट्स उन्होंने नेगेटिव किया. इन्हीं ऊपर दाऊद हरक्यूलीज, हबीब बैंक वाज प्लस, अली गौहर फार्मा वाज प्लस, ग्लैक्सो वाज प्लस, इन सब प्लस माइनस को करते करते अगर आप केसी 100 पे चले ऑल द वे टिल ऑल द 100 स्टॉक्स, तो फिर आपके 308 माइनस का नंबर आता है. दैट्स हाउ द इंडेक्स इज एक्चुअली कैलकुलेटेड. सेकंड सेक्टर वाइज हाँ बिल्कुल, सेक्टर वाइज में अगेन जैसे हमको अंदाजा है कमर्शियल बैंक्स का वेट भी ज्यादा है, ऊपर से वो आज गिरे भी थे, तो हेंस 85 पॉइंट्स पूरे कमर्शियल बैंक्स ने केसी 100 पे नेगेटिव इंपैक्ट किया था. इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने पॉजिटिव किया था, फार्मास्यूटिकल पॉजिटिव था, ऑटोज पॉजिटिव थे, बट फर्टिलाइजर पावर वर माइनस. तो हैवी वेट ज्यादातर अगर आप नेगेटिव में देखेंगे तो इंडेक्स जनरली माइनस ही होता है. गॉट इट. यहाँ पर आपको पूरे 100 शेयर्स एक साथ देख सकते हैं, यहाँ पर इसको आप टेबल को ऑफ कोर्स सॉर्ट भी कर सकते हैं. अगर आप यूनिटी फूड्स को देख लेट्स से, तो आज ये 2.3% नेगेटिव इंडेक्स पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किया. इंडेक्स में वेट इसका 0.19% है, इतना ज्यादा नहीं है रिलेटिव टू अदर स्टॉक्स. करंट प्राइस आ रही है, चेंज आ रहा है, कल से 43 पैसा माइनस हुआ था, परसेंटेज चेंज है, 52 वीक हाई लो है, एंड वॉल्यूम इट वॉज द वॉल्यूम लीडर, सो आई थिंक इसलिए तो किसी कंपनी का स्पेसिफिक अगर हम चेक कर ले हम आज, सो लेट्स जस्ट सर्च फॉर लेट्स से HBL एंड सी हाउ वी कैन रीड अ पर्टिकुलर कंपनी. HBL आ गया है. ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल हियर? या ओके कूल. सो HBL जिस तरह हमने आपने एक स्टॉक अभी खोल दिया तो इसकी डिटेल्स इसके अंदर खुल जाती हैं. अब HBL आज की क्लोजिंग थी 99.42, 86 पैसा अप था फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग, इतने परसेंटेज अप था. इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे मैंने पहले कहा इसकी आ रही है 145.8 मिलियन. वॉल्यूम आज 504,000 हुआ था इसमें. अगर आप देखें तो पी रेशियो भी आ रहा है इसका, सेक्टर पी के अगेंस्ट आ रहा है, तो सेक्टर पी के अगेंस्ट इज मच बेटर. टोटल वॉल्यूम, टोटल केसी 100 के वॉल्यूम से 0.23% इसका हुआ था वॉल्यूम. और इसमें अगर आप नीचे देखें तो रिटर्न्स आ रहे हैं 1 week, 1 month, 3 month, 6 month and 1 year के. यहाँ पे क्या डेटा आ रहा है हमारे दिस ग्राफ दैट आई कैन सी? दिस ग्राफ चार्ट्स में आप चेंज कर सकते हैं, 5 year अभी बैंक की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 1 year देख सकते हैं, ईयर टू डेट इज लाइक फ्रॉम 1st January. आज का डेटा देखें तो टाइम वाइज आ रहा है, ये ईयरली आ रहा है 5 years का. You can literally see it's. Is there a particular benchmark that you would suggest? If I'm studying the stock, तो मैं ज़ारे if I'm doing trading on a daily basis, तो मैं शायद day wise भी देखना चाहूँ. But overall trend is 3 year enough? Is 5 year enough? Is 10 year enough? और depend करता है आपकी आपने holding कितने time की ले रहे हैं और आप उसको look view कितना बना रहे हैं. जो लोग technically analyze कर रहे होते हैं वो daily hourly देख रहे होते हैं. जो लोग dividend based holding करते हैं वो 1 to 2, 3 years का chart generally note कर रहे होते हैं. तो ये क्वार्टरली का टैब आई थिंक अभी सिलेक्ट हुआ था. Q1 में 2020 में नेट प्रॉफिट ग्रोथ 32% डिक्लाइन हुई थी लास्ट ईयर से कंपेरिजन में. सिमिलरली मार्कअप अर्न्ड इतना था,
अर्निंग्स पर शेयर की क्यू वन में 2.7 रुपीज आई है हबीब बैंक की। अच्छा इसको हम थोड़ा सा इसके नीचे करें हमें पेज को जी। टोटल एसेट्स इसके वो दिखा रहे हैं, टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी को ऐड करें तो बेसिकली क्यू वन की टोटल एसेट्स आ जाते हैं। ये एरिया इज बेसिकली फॉर कंपेयरिंग अदर बैंक विद हबीब बैंक। तो अगर आप किसी और बैंक को सेक्टर में कंपेयर करना चाहते हैं हबीब बैंक के, तो यहाँ पर एमएन आप कंपेयर पे लेट्स से सिलेक्ट यूबीएल और एमसीबी एंड इट विल स्टार्ट कंपेयरिंग। यू सेड एमसीबी? या श्योर, यू कैन कंपेयर अप टू 3 बैंक्स बाय द वे, बट या दैट्स एमसीबी। चार्ट में अगर हम देखें तो प्राइस अर्निंग रेशियो हबीब बैंक का इज हायर देन दैट ऑफ एमसीबी, इट्स 15.33 एंड एमसीबी का प्राइस अर्निंग रेशियो इज 10.14। So this basically means कि हबीब बैंक को लास्ट ईयर और दो साल पहले थोड़ी सी जो हिट पड़ी थी तो उनकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा गिर गई थी। Hence the valuation is still there but earnings was not. इसलिए इसको 15 का मल्टीपल मिल रहा है, which is of course higher, but इसका मतलब दो हो सकता है, या तो आगे जाके शेयर प्राइस गिर जाएगी बिकॉज इनकी अर्निंग्स नहीं आ रही, या फिर अर्निंग्स इंप्रूव हो जाएंगी और शेयर प्राइस स्टेबल रहेगी या परफॉर्म करेगी यहाँ से। सो जनरली व्यू यही है। इसी तरह आप और भी रेशियोज देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसका ज्यादा है, so we can see its MCB is higher over there. तो यहाँ पर कंपेयर करना इट ऑन डिफरेंट एंगल्स अच्छा है। ये बैंक्स के हिसाब से देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी एमसीबी का अगेन हायर है एट 14.1। ग्रॉस स्प्रेड रेशियो बेसिकली ये होता है कि ग्रॉस मार्जिन रेशियो, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो दैट्स व्हाट इट इज। अदर कंपनीज में ग्रॉस मार्जिन होता है, इसमें ग्रॉस स्प्रेड होता है क्योंकि बैंक्स में कमाई स्प्रेड से होती है, तो बेसिकली ये उसकी बात कर रहे होते हैं। कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर ऑन द स्प्रेड साइड, व्हाट इज ग्रॉस स्प्रेड? किसी और कंपनी के सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप नॉर्मली कॉर्पोरेट में करते हैं तो कम्स ग्रॉस मार्जिन, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप सेल से डिवाइड करते हैं तो ग्रॉस मार्जिन बन जाता है। सिमिलरली इसी तरह इसके अंदर नेट रेवेन्यू और नेट एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो कम्स द ग्रॉस स्प्रेड, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट भी बोला जाता है इन अदर टर्म्स। करंट रेशियो, current ratio literally tells you the liquidity of the company. So it says ki Habib Bank ke paas far more liquidity, its current assets minus your current liabilities. So within 1 year aapke paas liquidity kitni zyada hai, that's what it shows. So HBL is more liquid. Yeah. And then we have return on assets. Yes, return on assets. So fixed asset, total assets pe return pe abhi dekhen to MCB is far bigger. Again, iska bhi wahi reason hai. Pehle HBL ko jo penalty hit padi thi, I think that's why it's lower than MCB. अच्छा, इसमें टैब्स आप खोलें, जैसे ऊपर प्रोफाइल आ रहा है ओवरव्यू के साथ, या तो इसमें तो सिंपल कंपनी की नॉर्मल प्रोफाइल में जाएगी, कितने शेयर्स इनके इशू हुए हुए हैं, फ्री फ्लोट कितना है, परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट कितना है इशू हुए हुए मार्केट में, इससे पता चलता है। पावर वैल्यू 10 रुपीज की थी, इसी हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है और राइट नाउ कंपनी के सीईओ चेयरमैन डायरेक्टर्स कौन है, तो ये किसी भी कंपनी के बारे में यू कैन ऑलवेज चेक है। इसमें लिटरली ऑल द रेशियोज जो आप सोच सकते हैं वो काफी हद तक इसमें हैं। किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आपको पिछले 5-6 सालों के अलोंग विद ट्रेलिंग 12 मंथ्स रेशियोज मिल जाएंगे, तो उसको कंपेयर करने में आसानी होती है। अगेन आई थिंक वी हैव सीन द रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स ऑन द फर्स्ट ओवरव्यू चार्ट एज वेल, और इसमें डिविडेंड्स भी आ रहे हैं। आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज समवट कवर्ड, तो अगर हम इस इतना डिटेल में ना भी जाए, जो बेसिक्स हैं वो अगर हम कर लें तो आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ। ओके, फाइनेंशियल्स आ रहे हैं इनके ट्रेलिंग 12 मंथ्स के 2019 के, और लिटरली इसके अंदर आप पीडीएफ्स खोलें तो आपके उसको रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे आपको इसके अंदर, ठीक है? इसको भी आप खोल सकते हैं। जी बिल्कुल, क्वार्टरली भी देख सकते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं अगर किसी को टेक्निकल साइट्स पे जाना है तो, इसमें RSIs और SPIs होते हैं। So in this particular webinar we are not covering the technical side, we are covering the basic side so that a basic understanding develop ho jaye. So we'll skip the details for this for now, we might have another session for that. Acha, news mein I think it's all the news related to, ye basically general news hai ki zyada jo popular news hai to samne aa jati hai. Announcements mein dekhiye to this related to Habib Bank only, to latest jo bhi announcements aayi hain Habib Bank ki ye isme pata chal jayega ki aapki board meeting hai to next board meeting result kab aane wala hai, किसी एग्जीक्यूटिव ने ट्रांजैक्शन की है या कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन आने वाली है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो यहां पर आपको सब मिल जाते हैं। इनसाइडर ट्रांजैक्शन बेसिकली होती है कि कंपनी के किसी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या जो लीगली वास्ता है जिसका हबीब बैंक से, उसको नोटिफाई करना होता है कि मैंने बाय या सेल किया, तो बेसिकली वो इसमें आ रहा होता है कि किसी ने बाय किया है कि किसी ने सेल किया,
तो ये किसी भी कंपनी के बारे में इनसाइडर ट्रांजैक्शंस के नोटिसेस आते हैं और यहाँ पर उसकी समरी बनती रहती है. सो फॉर एग्जांपल व्हाट डज दिस मीन. तो दिस मींस कि मिस्टर अफसर गनी साहब ने 1000 शेयर्स बाय किए थे ऑन जून 18th एट दिस रेट. ओके दिस लिटरली और इसका नोटिस इसके साथ पीडीएफ के में भी लगा हुआ है टू वेरीफाई. Payout is when a company pays out something. तो अभी बैंक ने अभी कुछ payout नहीं किया हुआ तो इसलिए वहाँ पर आ नहीं रहा right now at this quarter. और यहाँ पर इससे पता चलता है कि last trailing 12 months में 4.8% की इनकी dividend yield थी. 2019 में देखें तो 3.1% 3.1% की है and so on. तो dividend yield percentage times में आ रही है. और banks का जो year होता है it's January to December by the way. So that's how the yield is calculated. अच्छा हमाद, can you look at some of the questions? I'm not too sure I'm getting the chat, but I'm also sharing the screen. If you can look at the chat and maybe answer, yeah. You can. Okay, cool. If you can read the questions out loud. Okay. So basically, a question hai ki. Will you also touch briefly on how to use these parameters to short list stocks for various end result like selling and buying? Basically, वो पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि dividend कितना होगा तो कितना हमको लेना चाहिए, buy करना चाहिए कि sell करना चाहिए. That's what they're asking. So it's generally कि अगर आप depend करता है कि आप किस sector में buy या sell करना चाह रहे हैं, उस sector की valuation के against आप calculate करते हैं. इसमें आपको पिछले 5 साल के results देखने चाहिए. हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स इशू होती हैं, आप उसको पढ़ें. जैसे मैंने बताया कि होम पेज पे रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं हमारी, तो उसको आप स्टॉक वाइज पढ़ सकते हैं. उसमें रिसर्च से बाय सेल कॉल्स उसकी अलग आ रही होती है, फंडामेंटली मैं बात कर रहा हूँ. उसको बेस करके लॉन्ग व्यू बना के बंदा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है. यू आर लिटरली बाइंग अ कंपनी है, तो उसको एक व्यू बना के अगर आपका बेस है कि नहीं मैंने शेयर लेके रख लेने हैं 2-3 साल के लिए और डिविडेंड खाते रहना है, that's another. So उसके लिए highest dividend yielding stocks आप देखते हैं. अगर capital gain के लिए रखना है तो फिर आप growth stocks देखते हैं. Growth stocks तब देखा जाता है कि future में company क्या कर रही है, कुछ expansion कर रही है नहीं कर रही. इसके लिए आपको research काफी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी. और हमारे research तो guide करते ही हैं, कोई मसला तो है नहीं. अच्छा MN, इसमें आप advanced screener पे जाएं तो एक वो बता देते हैं. Advanced reader. Okay, let's just do that. अच्छा इसके अंदर basically ये live जब market चल रही होती है, अभी तो on नहीं है, तो इसमें आप literally अपने symbol select कर सकते हैं या फिर आप बोले मैंने particular कोई चीज देखनी है किसी भी script के बारे में, तो यहाँ पर you can always play around. For example, columns पे जाइएगा. Columns, yeah. Yeah. तो यहाँ पर यू कैन लिटरली एड योर ओन कॉलम्स, कस्टमाइज इट, प्ले इट अराउंड. फ्री फोर्ड परसेंटेज कितना है, 52 वीक हाई लो देखना चाह रहे हैं, उसको आप पूरा अपना टेबल कस्टमाइज करके सेव भी कर सकते हैं बाद में. इसको यहाँ पर किसी भी एक को सिलेक्ट करके सेव करें तो वहां पर एड हो जाएगा. बहुत सारे हैं, इसको आप पूरा आराम से बैठ के देख सकते हैं. सिमिलरली फिल्टर कर सकते हैं आप मार्केट वाइज. आपने पूरा इंडेक्स नहीं देखना, आपने सिर्फ KSE 100 देखना है. तो आप यहाँ बाय इंडेक्स सिलेक्ट करें, KSE 100 सिलेक्ट करें, एड करें और सेव कर दें. So, उसमें सिर्फ KSE 100 के स्टॉक्स आने शुरू हो जाएंगे. इसी तरह आप इसके अंदर काफी कुछ प्ले अराउंड करके सेव दबा देंगे तो आपके नाम से एक चीज प्रोफाइल सेव हो जाएगी. यू डोंट हैव टू चेंज इट अगेन एंड अगेन. तो यस, इसके अंदर काफी चीजें आप देख सकते हैं. लाइव मार्केट में देखेंगे तो ये लाइव चेंज हो रही होती है स्क्रीन. और इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम से, हाईएस्ट चेंज से, इवन हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड से. तो आप अगर डिविडेंड यील्ड के बारे में पूछें तो यहाँ से मल्टीपल चेंज कर सकते हैं. देयर इज अ क्वेश्चन ऑन can you shed light on valuation in multiples? अगर आप price earning multiple की बात कर रहे हैं तो I think basically PE ratio होता है price earning multiple जिसके base पे market imply कर रही होती है कि इसको इस company को इतना multiple या इस rate पे trade होना चाहिए. Let's say pharmaceutical sectors एक बहुत higher multiple पे trade हो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर एक अलग किस्म की growth stories चल रही होती है. जो ज्यादा हायर डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स होते हैं इसका मतलब है वो कंपनीज पे आउट कर रही होती हैं अपने इन्वेस्टर्स को, तो उनके मल्टीपल्स रिलेटिवली मार्केट के साथ चल रहे होते हैं और बहुत हाई नहीं होते. और जो कंपनीज नहीं पे कर रही होती या फॉरवर्ड गोइंग आपको लग रहा होता है या प्रोजेक्शन होती है मार्केट की कि शायद ये कंपनी लॉस मेकिंग ही रहेगी, उनके मल्टीपल्स रिवाइज होने शुरू हो जाते हैं.
हमारे यहाँ कंपेयर किया जाता है पूरी मार्केट के मल्टीपल्स को वर्सेस हमारी रीजनल एशिया पैसिफिक की मार्केट से, तो वहां पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन एट अ डिस्काउंट, हेंस हम कहते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अ बाय बिकॉज यहाँ पर वैल्यूएशंस आर वेरी चीप कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज. इसी तरह यहाँ से आप मल्टीपल वाइज आपको काफी तक आइडिया हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट का मल्टीपल चल रहा है, एक थंब रूल देख लें लेट्स से 6.5 का, और आपका स्टॉक है आई कंपेयर इट लेट्स से विद ओजीडीसी, अगर ओजीडीसी का मल्टी ट्रेड होता है लेट्स से 100 रुपीज का और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी 20 रुपीज के करीब अर्निंग्स आ जाएगी, दैट मीन्स इट्स ट्रेडिंग एट अ 5 का मल्टीपल क्योंकि 100 डिवाइड बाय 20 इज 5 लिटरली, और लेकिन पूरी मार्केट का मल्टीपल 6.5 पे है, तो यू कैन इजीली से दैट यार इस पैरामीटर के बेस पे इट्स अ बाय बिकॉज ये बहुत सस्ता मिल रहा है आपको. But of course, other factors are also in. So, Hama, just one quick question. When we were looking at KC 100 index, I'll just open that. Jo calculate hoti hai market ke change. So, for example, it's showing me ke market open hui hai 33,842.30 points. Lekin kal close 33,848 points pe hui thi. So this is different. So why is this ke aaj opening ke waqt there's a 6-point difference? So basically, let's say market opens at 10 o'clock. 10,0001 pe jo pehli hit padti hai market mein, agar us waqt jo bhi index hoga, that is called opening. तो लेट्स से उस वक्त कोई शेयर हैवी वेट रिलेटिवली नीचे था, आज की मार्केट एज पर दिस प्रीवियस क्लोज माइनस ओपन मींस के डिफरेंस ऑफ 6 पॉइंट्स है, दैट मींस कि आज 6 पॉइंट्स माइनस ओपन हुई थी मार्केट रिलेटिव टू अदर्स, बट जो चेंज कैलकुलेट होता है दैट्स प्रीवियस क्लोज माइनस करंट इंडेक्स. And why does this change happen? This tarah to market upar bhi khulti hai, market like it can go down as well as we can see. Market pehle second mein 100 point upar hoti hai, 100 point minus bhi hoti hai, depends on sentiments, news ke. Subah pre open mein 15 minute ke pre open ka ek session hota hai before 10 o'clock. So let's say 9:45 to 10 o'clock. Usme bahut sare log pehle hi bids and offers laga dete hain. Let's say aapko ek stock bahut acha lag raha hai aur aapko hai ki yaar main subah hi buy kar lu. So what people do is usko subah hi at a higher rate पाई पे लगा देते हैं. नाउ रेट चेंज होता रहता है, बट जैसे ही मार्केट खुलती है और अगर कोई सेलर हो तो जिसकी बेस्ट बिड होगी उसको शेयर्स मिल जाएंगे. तो अब लेट्स से एक स्टॉक में बहुत अच्छी न्यूज आ गई है तो आपको किसी ने सब ने बिड कर दिया तो रेट ही ऊपर खुलेगा, और अगर हैवी वेट है लेट्स से हैवी एमसीबी है तो मार्केट प्लस खुलेगी. सेम अदरवाइज एज वेल. गॉट इट. एंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, is all of this necessary? Just for example, if I open and I want to study stock market, so ye sari cheeze mere decision making ke liye ya isse bhi kuch kam parameters ko main dekh sakti hu, ya I'm supposed to look at all like sector wise main dekh rahi hu, company wise bhi dekh rahi hu, kaise 100 index bhi dekh rahi hu. So what are the key fundamentals that you will say ki ye to aapne matlab rozana just have a look so that you are, you know, you can track your portfolio properly, you can invest लोगों के, थोड़ा सा स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्ट करें. लेट्स से जनरली लोग देखते हैं 52 वीक हाई पे चल रहा है स्टॉक या 52 वीक लो पे चल रहा है. आई थिंक आई हैव लॉस्ट यू देयर अगेन. सो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज आई विल try to conclude the session since our time is also about to get over. So thank you so much for attending, for everyone who attended this particular session. And so we might have another one very soon. So just keep following our Facebook page for updates. Download our application ktrade.pk. And that's about it. And we'll answer a lot of these questions jo ke mujhe aa rahi hai later. So thanks a lot and take care. Bye-bye.